और जौनपुर से बड़ी खबर है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण सामने आया। जलालपुर सीएचसी का औचक निरीक्षण उन्होंने किया है। खामियां मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण जौनपुर में, हालांकि जलालपुर सीएचसी पहुंची और यहां की पथ इंतजामी पर वो भड़कते भी नजर आए। आप देख सकते हैं तस्वीरें, कैसे बेड को चेक कर रहे हैं, इसके अलावा जो दूसरे सामान है उसे देख रहे हैं। सीएससी का मामला यह है, जलालपुर सीएससी में औचक निरीक्षण डिप्टी सीएम ने किया है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के मामले में राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका जाहिर की है, लेकिन इस बात जिस तरीके से बड़ी बात निकलकर सामने आई है, जहां इन हथियारों का कनेक्शन पाकिस्तान की इस्लामिक संस्था दावत इस्लामी से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक कन्हैया लाल के हत्यारे रियाज और मोहम्मद गौस मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन दावत इस्लाम से जुड़े हैं। दोनों आरोपी पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी के ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हैं। तो न्यूज स्टेट के पास ये वीडियो भी मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान से आए लोग भी शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये सवाल बेहद जरूरी हो जाता है कि कानपुर में ऐसा संगठन किसके रहमो करम पर फल फूल रहा है। तो दावत इस्लामी का काला चिट्ठा, हालांकि कानपुर में जिस तरीके से संस्था को लेकर चंदा इकट्ठा किया गया और गुपचुप तरीके से जब वहां कुछ लोगों ने विरोध किया तो गुपचुप तरीके से चंदा इकट्ठा किया जाता रहा, क्योंकि दावत इस्लामी इस संगठन का नाम उदयपुर घटना में सामने आया। और चलिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है, गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर हत्या के आरोपी पिता और पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, एक साल से ये पिता पुत्र फरार चल रहे थे और अब पुलिस की गिरफ्त में आ गए। तो हत्या के आरोपी पिता पुत्र, जिनकी तलाश लंबे समय से पुलिस कर रही थी, बताया जा रहा है कि एक साल से फरार ये चल रहे थे। हालांकि ये पुलिस के हत्थे चढ़े, तस्वीर आपके सामने गोरखपुर की, ये तस्वीर जिस तरीके से गोरखपुर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। 8 जून 2021 को जमीन विवाद में हत्या की गई थी, इसके बाद ये फरार चल रहे थे। लंबी कोशिश के बाद अब पुलिस की गिरफ्त में पिता पुत्र। तो एक साल से फरार चल रहे थे ये दोनों शख्स और अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 जून 2021 को एक जमीनी विवाद के चलते इन्होंने हत्या की थी और उसके बाद ये फरार हो गए थे, तभी से पुलिस को इनकी तलाश थी और अब ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बड़ी खबर सहारनपुर से, पहाड़ों में